सीढ़ियों में तकरीबन हर घर में बनने वाली बहुत ही जबरदस्ती फ्राइड फिश की मैं आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ जिसका जो मसाला है मैरिनेशन वाला मसाला वो हम लोग घर पे खुद ऑर्गेनिक मसालों के साथ रेडी करेंगे यहाँ पर हम मैरिनेशन जो है वो कोई फिश पैक आ, मसाले के जो पैकेट्स होते हैं उनके साथ हम लोग नहीं करेंगे जबरदस्ता रेडी करेंगे और इसके साथ जो हम लोग चटनी बना रहे हैं जो लाहौर की फेमस फिश होती है फ्राई फिश या फिर बारबिक्यू होता है उनके साथ जो चटनी सर्व की जाती है ना वो चटनी की वजह से ज्यादा फेमस होता है इसी तरह से ये जो चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नहायत सिंपल और बार्बिक्यू के साथ बहुत असम रहती है मैं शफे और अपनी यूट्यूब चैनल रेसिपीज बार शफफे पे आप सबको वेलकम करती हूँ रेसिपी को देख लेते हैं बसमान सबसे पहले जो है हम अपना मैरिनेशन वाला मसाला रेडी करेंगे जिसके लिए मैंने एक पैन लिया ठीक है एक पैन के अंदर अभी मैंने मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया यहां पर मैंने टू भर के जीरा ले लिया शाह जीरा यहां पर मैंने यूज़ किया है ठीक और फाइव टेबल टेबलस्पून जो है वो मैंने साबुत धनिया का ले लिया ठीक हो गया और आप लोगों ने टेबलस्पून जो है वो नॉर्मल रखने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भरकर नहीं ऐड करने ये जो मसाला हम रेडी करें ये वन के जी फिश के लिए रेडी कर रहे हैं ठीक है बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है दो से तीन मिनट के लिए भूल लेंगे और उसके बाद जो है ठंडा करके इसको हम लोग ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्लेंड नहीं करना आप लोगों ने सिर्फ जो है वो मोटा दरदरा सा इसको रखना है मसाले को पाउडर नहीं बना लेना यहाँ पर जो है सिक्स टेबल स्पून फुल भर के आप लोग देख रहे हैं टेबल स्पून मैंने किस तरह से लिए फुल भर के सिक्स टेबल स्पून जो है वो बेसन के ले लेने हैं और ये जो मसाला हम लोगों ने दरदरा सा कूटा था धनिया और जीरे वाला वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे वन टेबल स्पून नमक ले लेंगे टू टेबल स्पून हम लोग रेड चिली पाउडर ले लेंगे ले ठीक ले है वन टीस्पून हल्दी पाउडर वन टेबल स्पून हम लोग धड़ा मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ जो है टू टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे और इन सारे मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठीक है अब ये मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसिस इसके अंदर कोई नहीं जाते होते इन सिंपल से मसालों से आपकी फ्राइड फिश बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है ठीक है ये जो मसाला हमने रेडी किया इसको हम डिश में डाल लेंगे जिसमें हमने मैरिनेट करना है चार से पांच हरी मिर्चें लें उसको पानी में थोड़ा सा ब्लेंड कर लें ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना ठीक है एक लेमन एक लेमन लेंगे और उसको अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे और उसका जूस हम इसमें ऐड कर देंगे आप लोग एक टेबल स्पून भी लेमन ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे विनेगर भी डाल रहे हैं ठीक है एक लेमन को अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे उसके बाद जो है वो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर विनेगर जो है हम यहाँ पर पाँच टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं फाइव टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे इसको मिक्स करके देखेंगे अगर हमें लगेगा कि विनेगर की और ज़्यादा ज़रूरत है पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक है तो हम लोग थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे टोटल इस मसाले में जो है वो फाइव टेबल स्पून विनीगर गया है अच्छा मैरिनेशन वाला जो पेस्ट है वो हमारा रेडी हो चुका है अब इससे जो है हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे फ़िश के जो पीसेज हैं उनको मैरिनेट कर लेंगे फिश के पीसेज पीसे मैंने बड़े बड़े बनवा लिए थे बहुत एक्स्ट्रा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं नॉर्मल साइज के ठीक हो गया वन के मैंने यहाँ पर फिश ली है अच्छा छोटी सी यहाँ पर आप लोगों के साथ फिश की इनफॉमेशन शेयर कर दूँ कि आप लोग जब फ्राई करने के लिए फ़िश ले रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो बेस्ट होती है जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होती है और रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है फ्राई करने के लिए वो होती है दानिया फिश काला दानिया ठीक हो गया आप लोग यहां पर सफेद दानिया भी ले सकते हैं सबसे बेस्ट रहता है फ्राई करने के लिए ठीक है अगर आप हाई क्वालिटी में जाना चाहते हैं तो उसमें हीरा फिश जो होती है वो भी बहुत अच्छी रहती है लेकिन काला दानिया फ्राई के लिए होता है ये कोरमे के लिए जो फिश मिलती है मार्केट में बताते नहीं है पता नहीं चलता कोरमे के लिए जो फिश मिलती है उसका जायका अलहदा होता है और जो फ्राई करनी होती है उसमें ये वाली बेस्ट रहती है ठीक है सबसे पहले जब आप लोगों ने मार्केट से फिश लेकर आनी है तो क्या करना है उसमें विनेगर हाफ कप विनेगर लें टू टेबल स्पून उसमें नमक ऐड करें अच्छे से मिक्स करें और सारी फिश पर लगाकर हाफ आवर के लिए तकरीबन थर्टी मिनट्स के लिए रख दें ठीक है उसके बाद सादा पानी से अच्छे से वॉश करें और उसके बाद आप लोग क्या करें कि उसको किसी न्यूज़पेपर में या किसी कागज़ में अच्छे से कवर करके रखें ताकि जो है वो एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो सोख कर ले और उसके बाद आप लोग इसको मैरिनेट करें मैरिनेट करके फिर दोबारा से कवर कर दें किचन टावल से या बटर पेपर से किसी भी चीज़ से कवर करके और इसको आप रख दें जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना अच्छा होगा आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्ती चटनी शेयर करने लगी हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पर ड्राई पुदीना लिया है टू टेबल ठीक है तीन से चार हरी मिर्चें ली हैं एक मीडियम साइज़

आप लोग लेमन की क्वांटिटी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा और सॉल्ट की कर सकते हैं ठीक हो गया इतनी जबरदस्त ये चटनी बनकर तैयार होती है ट्रस्ट में अगर आप लोग इसको फ्राइड फिश के साथ बारबी के साथ इस चटनी को या फिर आप लोग समटाइम ऐसा होता है कि सिंपल से राइस बना रहे होते हैं घर पे इस चटनी को आप लोग उसके साथ बनाएंगे यकीन करें कि आप लोगों ने कहना वह क्या रेसिपी मिली है

फिश को ऑयल में डालने के बाद इसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी डाल के तीन चार मिनट के लिए छोड़ देना है उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है साइड चेंज करके उसको फिर मीडियम फ्लेम पर ही दूसरे साइड से तीन से चार मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लेना है अच्छा ज्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने में बस डालने के बाद जो है वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी होती ठीक हो गया फिश हमारी फ्राई हो चुकी है हमने यहाँ पर जो है सैलड सजा दी है और साइड्स पे हम लोग यहाँ पर फ्राइज लगा रहे हैं जो ऑयल में हम लोगों ने फिश फ्राई की थी ना उसी ऑयल में जो है वो फ्राइज को हम सॉफ्ट सा फ्राई कर लेंगे एक्स्ट्रा क्रिस्पी नहीं करेंगे देखिये मैं आप लोगों से अक्सर अपनी वीडियोज में कहती हूँ कि खाना हर कोई बना लेता है फूड इज नॉट ए जेंडर एग्नोस्टिक मर्द बनाए लेडीज बनाए कोई भी बना ले खाना हर कोई बना सकता है लेकिन जब आप लोग उसे इमोशंस के साथ बनाते हैं थोड़ी सी फीलिंग्स के साथ जब खाने को बनाते हैं तो यकीन करें अब देखिए फ्राइज को जब आप लोग सर्व करेंगे फिश के साथ तो उसका जो टेस्ट वो और भी ज्यादा डबल हो जाएगा क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि पोटैटोज होते हैं फॉइल पेपर में स्टीम किए होते हैं और उसको जो है है वो सर्व किया जाता है, के साथ इसी तरह से आप लोग भी छोटी छोटी चीजों का एडिशन करते हुए टेस्ट को डेवलप करके बहुत ही जबरदस्त सा जो है वो खाना अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं और उनसे ढेर सारी दुआएं ले सकते हैं घर वालों से ढेर सारी दुआएं लें और मेरे लिए बस जाते जाने चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ठीक हो गया जी अल्लाह हाफिज